एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ यू रियलाइज दैट कि यार मैंने ना बहुत गलत कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, मतलब मैं क्या सोच रहा था जब मैंने ये कोर्स को सिलेक्ट किया है, एंड यू फील सो डीमोटिवेटेड डिवास्टेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट यार उस दिन को जाने दो, बिकॉज एट टाइम्स इट्स अ बैड डे एंड नॉट अ बैड लाइफ एंड नॉट अ बैड कोर्स। दूसरे दिन फिर से उठकर थोड़ा सा एनालाइज कीजिए अपने आप के साथ, थोड़ा सा वक्त बिताइए और टाइम दीजिए, एंड देन यू विल रियलाइज दैट कि नहीं यार इतना भी बुरा नहीं है। तुमने कोर्स सिलेक्ट किया था, डेफिनेटली वो डिफिकल्ट होगा, डेफिनेटली वो रेप्यूटेड होगा, डेफिनेटली कुछ सोच कर ही किया होगा। तो यार अगर वो इतना आसान होता था तो शायद तुम वो सिलेक्ट करते भी नहीं थे। और मजा तब आता है जब हम लोग कुछ चैलेंजिंग करते हैं, मजा तब आता है जब हम लोग कुछ तो भी बहुत डिफिकल्ट अचीव कर रहे हैं, यार उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना वो खुशी बहुत डिफरेंट होगी। यही तो साल है रगड़ने के, यही तो साल है पढ़ाई करने के, यही तो साल है जहां पर तुम्हें चीजें सैक्रिफाइस करनी होगी। 3-4 साल आपको पूरा की पूरा खुद के लिए डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज टफ, थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक ऑफ द डे वेन यू हैव अचीव वॉट यू हैव थॉट, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन वुड बी वर्थ इट। थैंक यू सो मच।